किसान भाई, आज हम बात करेंगे राजमा की वैज्ञानिक खेती एवं प्रभेद के चुनाव के बारे में। किसान भाई, राजमा की खेती जो लगाना चाहते हैं अपने खेतों की, 2 से 3 बार पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें, फिर इसके बाद 2 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करके हर जुताई के बाद पाटा लगाएं, क्योंकि राजमा की बुवाई अक्टूबर महीना में होती है, उस समय बारिश कम हो जाती है, तो जिससे मिट्टी की नमी जल्दी से उड़ जाती है। अगर खेत को खुला जोत के छोड़ देंगे तो नमी उड़ जाएगी, तो हर जुताई के बाद पाटा लगाएं और 2 से 3 जुताई करें। इसके बाद उसमें चूना का इस्तेमाल हो वो भी कर सकते हैं, केचुआ खाद या गोबर खाद जो है वो बुवाई से कम 15 दिन खेत में पड़ना चाहिए, उसको भी उसी जुताई के समय मिला के खेत में मिला दें जोत करके, तो वो सड़कर पौधा के लेने के रूप में बदल जाएगा और पौधा को उससे ज़्यादा फायदा होगा, उपज बढ़िया होगी। अब बात आती है कि जब बीजोपचार करना, इसके लिए कितनी आवश्यकता और क्या दर होनी चाहिए बीजोपचार के लिए? किसी भी खेती के लिए, खेती का मूल आधार है, अगर कोई खेती हमको बढ़िया से करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान बीमारी और कीटों से होता है, तो कीट और बीमारी से सुरक्षा हेतु सबसे ज़रूरी चीज़ होता है बीज उपचार। बीज उपचार करने से फसल में 50% कीट और बीमारी कम लगते हैं, तो बीज उपचार करने के लिए प्रति किलो बीज में अगर रासायनिक दवा यूज करना चाहते हैं तो बाजार में बविस्टिन नाम से दवा आती है, वो 1 किलो बीज में 2 ग्राम, रिडोमिल यूज करना चाहें तो 1 किलो बीज में 2 ग्राम, और जैविक दवा के रूप में आप ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास इनफ्लोरेसेंस करके दवा आती है, वो 1 किलो बीज में 6 से 7 ग्राम के हिसाब से यूज करके बीज उपचार कर सकते हैं। अब बात आती है कि लगाने का सही समय क्या होना चाहिए, कितने अंतराल पर इसको लगाया जा सकता है? जनरली जो राजमा की खेती है 2 उद्देश्य से करते हैं, एक सब्जी के उद्देश्य से, एक दाल के उद्देश्य से, दाना के उद्देश्य से। तो झारखंड में जनरली जो राजमा की खेती होती है किसान ज़्यादातर सब्जी उद्देश्य से करते हैं, वो तीनों सीजन में करते हैं, गर्मी में, जाड़ा में, बरसात में। लेकिन जब दाल के उद्देश्य से खेती करेंगे तो वो अक्टूबर महीना में लगाएंगे, उसके लगाने का उचित समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर होता है, उस समय के बीच वो उसका बुआई हो जाना चाहिए तो आपको अच्छी उपज प्राप्त होगी। तुंजय जी, अगर हमारे किसान भाई राजमा की खेती करना चाहते हैं तो प्रमुख कौन सी प्रभेद है जिनका चुनाव करके वो खेतों में लगाए और उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिल पाएगा? किसान भाई, अगर राजमा की खेती करना चाहते हैं तो मालवी 137, मालवी 15, उत्कर्ष, अंबर, उदय और भीएल 63 प्रभेद हैं जिनका वो बुआई करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं, और इन सब प्रभेद का जो बीज दर है 100 से लेके 120 किलो प्रति हेक्टेयर उपयोग होता है, और इसको जो लगाने का दूरी होता है लाइन से लाइन 30 से लेके 45 सेंटीमीटर तक, मिट्टी की उर्वरता के अनुसार। अगर मिट्टी कम उपजाऊ है तो 30 सेंटीमीटर लाइन की दूरी, उपजाऊ मिट्टी है तो 45 सेंटीमीटर, और ग्रेन से ग्रेन की दूरी, दाना से दाना की दूरी 10 से लेके 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और प्रति हेक्टेयर 3 लाख पौधा होना अनिवार्य है, इतना पौधा 1 हेक्टेयर में होना चाहिए। अब सबसे प्रमुख बात आती है कि जो किसान भाई खेतों में राजमा की खेती कर रहे हैं उसके लिए सिंचाई की क्या व्यवस्था होनी चाहिए और कितने मात्रा पर उर्वरक का प्रयोग होना चाहिए? खेती के लिए सिंचाई सबसे ज़रूरी चीज़ होता है, सब फसल का एक क्रिटिकल स्टेज होता है, उस स्टेज पर अगर फसल को सिंचाई न मिले तो उसकी उपज सीधे प्रभावित होती है। तो जनरली जब दाना के उद्देश्य से राजमा की खेती करते हैं तो उसमें सब्जी की तुलना में सिंचाई थोड़ा कम लगता है, लेकिन फिर भी एक जो बुवाई के समय बीज अंकुरण के लिए सिंचाई करेंगे, फिर जब फसल आपका 20-25 दिन का हो जाएगा उस समय एक सिंचाई करेंगे, फिर 40 से 45 दिन की अवस्था में सिंचाई करेंगे, और फूल आने के समय तो जरूर सिंचाई करेंगे, उस समय सिंचाई की कमी होने पर फूल झड़ता है, फली का दाना का निर्माण कम होता है और उपज प्रभावित होती है। रहा उर्वरक की बात, तो 2.5 एकड़ खेत में किसान भाई कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का उपयोग करें, जिसमें केचुआ खाद हुआ, गोबर खाद हुआ, साथ में रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं, जिसमें प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की मात्रा 100 किलो, फास्फोरस की मात्रा 80 किलो और पोटास की मात्रा 20 किलो और साथ में सल्फर भी डालें, सल्फर डालने से फसल अच्छी होती है, वो भी 20 किलो प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं।